वेलकम टू मिसेज आनंद कुकरी क्लासेस। हम अपनी नो फायर कुकिंग सीरीज में आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए भेलपुरी। और हमारे साथ होंगे शेफ गौरिक, जिनसे मैं आपको पहले मिला चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं शेफ गौरिक से। शेफ, हेलो एवरीवन, आज बैक अगेन, आज हम बनाएंगे हेल्दी भेलपुरी। शेफ शुरू करें, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए आप बताओ। मुरमुरे, चने एंड मखाने एंड कॉर्नफ्लेक्स एंड कॉर्न, एलमंड्स, रेजिन्स, कैश्यू, पीनट्स, हरी सॉस, हरी चटनी। वेरी गुड गौरे। सो गौरे, चलो सब चीजें मिक्स करो इसमें। चलो सबसे पहले मुरमुरे डालो। गुड बॉय। कॉर्नफ्लेक्स, चने, कॉर्न, मखाने, काजू, किशमिश। गौरी किशमिश को पिशपिश बोलता है, इसने वही बोला। पीनट्स डालो। सॉस, केचप। गुड एंड वन मोर। थैंक यू गौरे। आपको ये नया चम्मच चाहिए होगा। चलो गौरे, की चटनी डालो इसमें। ये बिना मिर्च की धनिया पुदीने की चटनी है जो हम लोग भेलपुरी में इस्तेमाल करते हैं। मिक्स करो। मिक्स करो इसको सब। इनके ऊपर सब काजू डालने हैं। हाँ। और सब मुरमुरे डालने हैं। मिक्स करना है ना सबको। बहुत सारे चीजें। गुड। पहले मैंने क्या डाला था। तो लीजिए, हमारी हेल्दी भेलपुरी तैयार है। तो थैंक यू गौरिक, आपने इतनी अच्छी टेस्टी हेल्दी भेलपुरी बनाई है। आपको भेलपुरी पसंद है? ओके, से बाय टू एवरीबॉडी। बाय, सी यू अगेन। तो ये हमने बच्चों के लिए हेल्दी भेलपुरी बनाई है, सभी लोग खा सकते हैं। इसमें हमने बिल्कुल कोई भी फ्राइड चीजें इस्तेमाल नहीं की है, सब रोस्टेड चीजें हैं। इसमें रोस्टेड चने थे, कॉर्नफ्लेक्स था, मुरमुरे थे जिनको हमने एक मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राइंग पैन में रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा इसमें पीनट है, काजू, बादाम, किशमिश, जो कि सभी हेल्दी चीजें हैं। बच्चों के लिए बनाया था तो इसलिए इसमें हरी चटनी में भी मिर्च बिल्कुल नहीं थी, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं थी। तो आप इस तरह की हेल्दी भेलपुरी बच्चों से बनवा सकते हैं। बच्चों को बनाना भी बहुत पसंद आता है। दिस इज नो फायर कुकिंग। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको बनाना भी, खाना भी और खिलाना भी। मेरी इसी तरह की और इजी टू मेक रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।